आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपके ओप्पो फ़ोन में सिम कार्ड का नेटवर्क नहीं आ रहा है और यहाँ पे इस तरीके से शो होता है ये नो सर्विस, तो फिर ओप्पो फ़ोन में नो सर्विस प्रॉब्लम को ठीक कैसे करें। तो यहाँ पे इसके लिए आप अपने फ़ोन की सेटिंग्स ओपन करिए। सेटिंग में आने के बाद आएगा ये सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क, या फिर आपके फ़ोन में बस मोबाइल नेटवर्क आएगा तो इस पर क्लिक करिए। उसके बाद आएगा सिम वन सिम टू, तो जो सिम कार्ड आपका नो सर्विस शो कर रहा है उस सिम कार्ड पर क्लिक करिए। हमारा सिम वन नो सर्विस आता है तो ये हम सिम वन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब ऊपर ये इनेबल आएगा, तो अगर आपका ये बंद है तो इसे ऑन करिए। अब इसे ऑन करने के बाद आएगा नीचे ये प्रेफर्ड नेटवर्क टाइप या फिर नेटवर्क मोड, तो इस पर क्लिक करिए। उसके बाद आएगा 2G 3G, तो यहाँ पे अगर आपका 2G या फिर 3G सेलेक्ट है तो आप अपने फ़ोन में 4G सेलेक्ट करिए, या फिर प्रेफर LTE सेलेक्ट करिए, या फिर अगर आपका फ़ोन है 5G तो ऊपर आएगा ये 5G 4G 3G 2G ऑटो, तो अगर ये आ रहा है तो इस पर क्लिक करिए, इसे सेलेक्ट करिए। उसके बाद सबसे नीचे आएगा ये ऑपरेटर, तो यहाँ पे ऑपरेटर पे क्लिक करिए। ऊपर ये ऑटो सेलेक्ट आएगा तो ये आपका ऑन है तो इसे बंद करिए। नीचे ऑफ़ आएगा, इस पर क्लिक करिए, फिर से ऑफ़ करिए। अब ये नेटवर्क सर्चिंग लेगा तो कुछ सेकंड वेट करिए। अब सर्च होने के बाद जब आपका ये सिम कार्ड अपने आप नेटवर्क सेलेक्ट कर लेगा उसके बाद ऑटो सेलेक्ट ऑन करिए। यहाँ पे ही ऑन करने के बाद अब बैक आइए और एक बार अपने फ़ोन में फ़्लाइट मोड या फिर एरोप्लेन मोड ऑन करिए। उसके बाद इसे बंद करिए और अब चेक करिए आपके ओप्पो फ़ोन में सिम कार्ड का नेटवर्क आ रहा है। यहाँ पे अब ये नो सर्विस नहीं आ रहा है, बट अगर आपके फ़ोन में फिर भी नो सर्विस आता है तो इसके लिए फ़ोन की सेटिंग में नीचे आइए। नीचे आने पर आएगा ये एडिशनल सेटिंग्स, तो इस पर क्लिक करिए। उसके बाद और नीचे आइए, बैकअप एंड रीसेट आएगा, इस पर क्लिक करिए। यहाँ पे रीसेट फ़ोन आएगा, इस पर क्लिक करिए। अब ऊपर आएगा ये रीसेट नेटवर्क सेटिंग्स, तो रीसेट नेटवर्क सेटिंग पे क्लिक करिए। तो अब ये नीचे फिर से रीसेट नेटवर्क सेटिंग्स आएगा, तो यहाँ पे इस पर क्लिक करिए। और ये करने से आपके फ़ोन का कोई डेटा या फिर कोई फ़ोटो वीडियो कुछ डिलीट नहीं होता है, बस आपके फ़ोन की वाईफाई ब्लूटूथ और मोबाइल नेटवर्क की सेटिंग्स रीसेट होती है। तो रीसेट नेटवर्क सेटिंग पे क्लिक करिए। हमने इसे पहले से कर लिया है तो इसे बैक करेंगे, बट आप रीसेट पे क्लिक करिए। और ये रीसेट करने के बाद अब चेक करिए अपने फ़ोन को रीस्टार्ट या फिर बंद करके चालू करके, आपके ओप्पो फ़ोन में नो सर्विस नहीं आ रहा है, अब सिम कार्ड के नेटवर्क यहाँ पे आ रहे हैं। तो इस तरीके से ओप्पो फ़ोन में नो सर्विस प्रॉब्लम को ठीक करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें।